प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भारतीय जनता पार्टी के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा और झारखंड की राजनीति के बारे में कई बातें कही। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर शहर आ रहे हैं और राज्य को 3 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के 1/13/195 लाभुकों को पहली किस्त की राशि भी जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड बनाया, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए की सरकार देश और राज्य को विकास की ओर ले जा रहा है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की सरकार झारखंड को विनाश की ओर धकेल रही है। जमशेदपुर का, झारखंड का, कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ 15 तारीख को पधार रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की सौगात जमशेदपुर को मिलने वाली है, झारखंड को मिलने वाली है। 1,13,000 से ज़्यादा मकान झारखंड के ग्रामीण गरीब बहनों और भाइयों को मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ मकान बनाने का। कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव में, जो पहले साल मकान बनने लगभग 40 लाख, उन हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री जी मकान बनाने के लिए पहली किस्त का पैसा डालेंगे। और इसलिए इस मैदान में ये कार्यक्रम केवल झारखंड के लिए नहीं होगा, झारखंड वासियों के अलावा पूरे देश के उन गरीब भाइयों और बहनों के लिए जिनके खाते में मकान के लिए किस्त डाली जानी है पहले, उनके लिए होगा। और तीसरा कार्यक्रम, यहाँ प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।